गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम आज नया चैप्टर 21वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। इसमें हम हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ मिलते हैं और उनको शरीर से किस प्रकार बाहर निकाला जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार उपापचयी क्रियाएं होती रहती है। उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान कई प्रकार के अपशिष्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, यूरिया है। इस प्रकार के जो अपशिष्ट बनते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन का मतलब क्या है? उत्सर्जन शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल उत्सर्जन कहलाता है। जो हम उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की सहायता करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है और उत्सर्जी अंग मिश्रण जो है उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जंतुओं में प्रमुख जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निर्माण प्रोटीन के उपापचय के कारण होता है। तो अलग अलग जंतुओं में कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं कि जंतुओं में बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट में बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट नाइट्रोजिनस जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रोटीन के उपापचय से बनता है। प्रोटीन उपापचय से नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निर्माण होता है। प्रमुख रूप से तीन प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, उनमें पहला है अमोनिया। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बना होता है और अमीनो अम्ल के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया जो है एक अत्यंत विषैली गैस है, इसे शरीर में अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है, इसे तुरंत जो है शरीर के बाहर निकालना पड़ता है। और अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल वो ही जंतु अमोनिया का उत्सर्जन कर पाते हैं जो जल के अंदर रहते हैं, यानी जो जलीय जीव है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अमोनिया जल में घुलनशील तथा अत्यंत विषैली गैस, अत्यंत
इसीलिए होती है, इसे जो है अधिक समय तक शरीर में नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए होने के कारण इसे अधिक समय तक शरीर में नहीं रखा जा सकता। इसलिए इसको जो है तुरंत जो है शरीर के बाहर निकाला जाता है, इसके उत्सर्जन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए अमोनिया का उत्सर्जन जो है जलीय जंतु करते हैं, अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो अमोनोटैक्टिक कहलाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी अमोनो केला, ठीक है। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं, इसका जो उदाहरण है प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, प्रोटोजोआ पॉलीफेरा स्लेंट्रिया, इसके अलावा जो है जलीय आर्थ्रोपोड, मोलस्क और अलैंगिक मछलियां जो अलैंगिक जल में रहती है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है। तो ये जो है अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी है। फिर उसके बाद में दूसरा जो नाइट्रोजनस ऑक्सीजन है वो अमोनिया, दूसरा जो अपशिष्ट है वो है यूरिया। यूरिया का जो निर्माण है वो अमोनिया से होता है, यानी यूरिया जो है अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है, इसलिए इसे अमोनिया से ज्यादा समय तक शरीर में रखा जा सकता है और ये जल में घुलनशील होता है, इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता कम होती है। तो जो जंतु स्थलीय होते हैं जो जल में नहीं रहते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी उनमें जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट है वो यूरिया होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में, इसका निर्माण होता है यकृत में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से यूरिया बनता है। ये NH3 अमोनिया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इनसे यूरिया बनेगा NH2 CO NH2 साथ में जल बनता है, ये यूरिया का।
सृजन करने वाले प्राणी यूरिया जो है ये अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है। यूरिया जल में घुलनशील तथा अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है। अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है, इसलिए इसे ज्यादा समय तक शरीर में रख सकते हैं और इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता कम होती है। अब कौन कौन से जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसका जो उदाहरण है जो उभयचर है जैसे मेंढक वगैरह, इसके अलावा स्तनधारी इसमें मनुष्य आता है, इसके अलावा उपास्थी व अस्थि मछलियां, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तीसरा जो अवशिष्ट है वो है यूरिक अम्ल। तीसरा जो अवशिष्ट है वो है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो है ये इसका निर्माण भी अमोनिया से होता है, ये जल में अघुलनशील होता है और अमोनिया और यूरिया की तुलना में ये कम विषैला होता है। इसे और ज्यादा समय तक शरीर में रखा जा सकता है और इसका जो उत्सर्जन है वो अर्धघोष के रूप में किया जाता है। यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन है वो रेप्टाइल्स, इसके अलावा कीट और पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये जल में अघुलनशील होता है, इसे अधिक समय तक से अधिक समय तक शरीर में संचित किया जा सकता है। अधिक समय तक शरीर में संचित किया जा सकता है, इसका उत्सर्जन अर्धघोष के रूप में किया जाता है। अर्धघोष के रूप में किया जाता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरिक अम्ल का सर्जन करने वाले प्राणी यूरिकोफिलिक कहलाते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं, वो है सरीसृप, कीट व पक्षी, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख नाइट्रोजनस पदार्थ है। इसके बाद में हम जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।
सर्जन पंडित माना था, उत्सर्जन तंत्र। मन एक्सप्रेटरी सिस्टम, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो ब्रक यानी किडनी। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो ब्रक है। इसके अलावा अन्य जो उत्सर्जी अंग है, अन्य उत्सर्जी अंग जो है वो है त्रवाई, रस और मूत्रमार्ग। ये अन्य उत्सर्जन अंग है, ये सभी मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका ये डायग्राम हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये किडनी है, किडनी से यहाँ पर ये ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ये ब्रक और ये मूत्रवाहिनी, ये त्रस और ये मूत्रमार्ग। ये जो है ब्रक के ऊपर अधिव्रत ग्रंथि है, अधिव्रत ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो व्रत के ऊपर स्थित होती है। ये व्रत शिरा और ये व्रत ग्रंथि प्रकार से जो है मानव का सजन तंत्र है। इनमें सबसे पहले जो हम व्रत के बारे में पढ़ते हैं। व्रत किडनी, मानव में एक जोड़ी व्रत कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं, पीछे की तरफ पृष्ठ भाग में। तो मानव के अंदर जो है एक जोड़ी व्रत उदर गुहा में पृष्ठ भाग पर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। कशेरुक दंड के दोनों ओर होते
वृक्ष जो है ये सेम के बीज की आकृति के होते हैं, सेम के बीज की आकृति के होते हैं। मानव में जो वृक्ष है वो मेटा नैतिक प्रकार के होते हैं, मेटा नैतिक प्रकार के वृक्ष होते हैं। वृक्ष का ऊपर आगे का जो भाग है ये उत्तल सतह है और अंदर का जो भाग है वो अवतल सतह होता है। तो वृक्ष का बाहरी भाग उत्तल और आंतरिक भाग अवतल होता है। इसकी जो सतह है वो अंदर धसी होती है, अंदर धसी हुई सतह अवतल कहलाती है। इस अवतल सतह पर एक खड्डे जैसी संरचना होती है। वृक्ष के अवतल सतह पर एक खांच पाई जाती है जिसे खांच पाई जाती है से हाइलम हाइलम कहते हैं। ये जो है ये इसको हाइलम कहा जाएगा। इस भाग में वृक्ष धमनी हाइलम है, वृक्ष धमनी और तंत्रिकाएं अंदर प्रवेश करती है। हाइलम भाग में इस भाग में वृक्ष धमनी व तंत्रिका अंदर प्रवेश करती है और वृक्ष शिरा और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। इस भाग से वृक्ष शिरा व ये जो है वृक्ष के बारे में। उसके बाद में जो दूसरा भाग है वो है मूत्रवाहिनी। तो दोनों वृक्ष से एक ही मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। के आगे का जो भाग थोड़ा खुला हुआ भाग होता है, इस खुले हुए भाग को कैल्विस कहा जाता है। मूत्रवाहिनी जो है वृक्ष से मूत्र को त्राशय में लेकर आती है। इसकी जो भित्ति है वो मोटी होती है और ये एक नलिका रूपी संरचना है। इसकी भित्ति में पेशियां पाई जाती है और पेशियों में क्रमापुंजन तरंगे उत्पन्न होती है। उन क्रमापुंजन तरंगों के कारण ही मूत्र जो है आगे की तरफ खिसकता और त्राशय में पहुंचता है। तो ये मूत्रवाहिनी के बारे में है। यूरिनस ये तीसरा जो भाग है त्राशय जो है ये थैलीनुमा संरचना होती है जो मूत्र के संचय का कार्य करती है। इसमें लगभग 700 से 800 ml मूत्र का संचय किया जा सकता है। ये त्रिभुजाकार या शंकु रूपी संरचना होती है। इसके ऊपर का भाग इसका चौड़ा भाग होता है और नीचे का जो भाग है वो संग्रह भाग होता है। संग्रह भाग आगे जो है मूत्र मार्ग में होता है। यहाँ पर एक अवरोध नहीं पाई जाती। इस संग्रह भाग पर एक
अवरोध भी पाई जाती है। ये अवरोध भी जो है सामान्य अवस्था में बंद रहती है, उत्तर मार्ग को कसकर बंद रखती है और इसके शिथिल होने पर शरीर से मूत्र को बाहर त्यागा जाता है। मूत्राशय के बाद में अगला जो है मूत्र मार्ग जो है एक नलिका का भाग होता है, जो पुरुषों में इसकी लंबाई जो है लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और मादा में इसकी जो लंबाई है लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में मूत्र मार्ग जो है सीसन में स्थित होता है और इसके द्वारा मूत्र और वीर्य दोनों एक ही मार्ग से त्यागे जाते हैं, जबकि मादा में मूत्र मार्ग अलग होता है और जनन मार्ग अलग होता है। तो ये जो है मूत्र मार्ग के बारे में, तो उत्सर्जन तंत्र जो है 4 अंगों से मिलकर बना है, गर्भ, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हम कल वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।